नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, राइट? ठीक हो आप लोग? वेल डन। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय ऑल द लवली स्टूडेंट्स ऑन माय वंडरफुल यूट्यूब चैनल। थैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से समथिंग अबाउट माय फर्स्ट वीडियो ऑफ माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बेटा वो वीडियो इसलिए लंबी बन गई थी, लगभग वो 35 मिनट की वीडियो थी, लगभग 35 मिनट की वीडियो थी वो वीडियो। बेटा इसलिए लंबी बन गई थी क्योंकि उसमें हम लोग ने अपना इंट्रोडक्शन भी कवर किया था, प्लस लेक्चर नंबर 1 भी हमने उस वीडियो में कवर किया है। दैट्स वाई जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो 35 मिनट का वीडियो बन गया, राइट? अभी ये तो मेरा फर्स्ट वीडियो था, इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 1 वाला जो बेटा वीडियो है वो मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो था, और आप लोग ने उसको इतना प्यार दिया, इतना लाइक दिया, इतना सब कमेंट किया आप लोगों ने, फैंटास्टिक, फैब्यूलस। इतना कभी मैंने सोचा नहीं था कि फर्स्ट वीडियो में इतना आएगा। सो बच्चों, थैंक्स फॉर दैट, आई एम ऑलवेज फॉर यू। ओके, कीप गोइंग। ओके बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले, वही स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 6, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 क्यों सर, 1 किधर गया? बेटा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो फर्स्ट वीडियो बनी थी तो वो तो 35 मिनट का था। अभी जो 35 मिनट का था, मैंने उसमें सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कवर करने की कोशिश की थी मैंने, उसके बाद उसी के साथ लेक्चर नंबर 1 हम लोग ने उसी वीडियो में कंटिन्यू किया था, राइट? अभी उस वो वीडियो 35 मिनट की बन चुकी थी और ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते थे उसको, जिसके वजह से हम लोग को दूसरी वीडियो डालनी पड़ रही है, लेक्चर नंबर 2 स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 6, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, राइट? ओके बेटा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ना दो बात बोलना चाहता हूँ। ये मेरा बात नहीं बेटा, ये आप लोगों के लिए सजेशन होगा। क्या सजेशन है सर? ओके, फॉर एग्जांपल बेटा मैं आप लोगों को यही बोलने वाला हूँ कि जो लेक्चर नंबर 2 है ना, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप लेक्चर नंबर टू डायरेक्ट मत देखिए, लेक्चर नंबर 1 देखिए पहले। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? अगर हम लोग लेक्चर नंबर 1 देखे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग लेक्चर नंबर 2 भी तो देख सकते हैं ना डायरेक्ट। बेटा बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पिक्चर मूवी दिखाने की कोशिश करूं, मैं आपको सामने से बोलता चलो हम लोग चलो मैं तुमको एक पिक्चर दिखाता हूं, मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखा रहा हूं, ओके? अगर उस पिक्चर को मैं बीच में से दिखाना चालू करूं तो आप लोगों को स्टोरी समझ में आएगा नहीं आएगा? स्टोरी समझ में नहीं आएगा बेटा, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, राइट? क्योंकि उसका आधा पार्ट तो हम लोग ने देखा ही नहीं, हम लोग को बीच में से बैठाया जा रहा है, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखिए। हाँ वो 35 मिनट का वीडियो बन गया, वो बोलते बोलते कब इतना लंबा लंबी वीडियो बन गई पता नहीं चला। ओके, सबसे पहली बात सर ने क्या बोला, आप जा कर के प्रीवियस वीडियो देखो, लेक्चर नंबर 1, राइट? सर अभी आपकी दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है बेटा कि हम लोग कुछ भी अगर नया वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं ना, हम लोग पहले पिछले मतलब प्रीवियस लेक्चर का हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट रिवीजन करेंगे। कितना मिनट? ज़्यादा से ज़्यादा बेटा 2 मिनट लगेगा, रिवीजन करेंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यहाँ पे मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, प्रीवियस लेक्चर जैसा उतना लंबा नहीं जाने वाला, ये छोटे में हम लोग निपटा देंगे, राइट? ओके, तो हम लोग क्या रिवीजन स्टार्ट कर सकते? कैन वी स्टार्ट आर रिवीजन ऑफ प्रीवियस स्टैंड ऑफ प्रीवियस वीडियो? ओके बेटा, अभी देखो आप कैमरा के उस साइड है, मैं कैमरा के इस साइड हूँ, राइट? लेकिन हम लोग यहाँ आपस में तो बात तो नहीं कर सकते। तो उस यही सब देख करके यूट्यूब ने हम लोग को कमेंट सेक्शन दिया, राइट? बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं और आंसर आएगा, पक्का है, मेरा प्रॉमिस है। ओके ओके, अभी जो मैं आप लोग से क्वेश्चन करने वाला हूँ,
सर आंसर तो मैं दे दूंगा क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ तो मैं अकेला हूँ, अगर मैं क्वेश्चन कर रहा तो मुझे ही आंसर देना पड़ेगा। उसी तरीके से बेटा जब ऐसा लगे कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वीडियो पॉज कर दो, पहले आप सोचो, ईमानदारी से सोचो। हाँ राज सर ने पहले वीडियो में क्या पढ़ाया था, क्या मुझे वो याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप वीडियो पॉज भी करके सोच सकते हो और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, राइट? ईमानदारी से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ईमानदार हो, आप कितने हॉनेस्ट हो अपनी स्टडी को लेकर के। ओके हम लोग थोड़ा सा रिवीजन स्टार्ट कर देते, हम लोग क्या स्टार्ट करते, रिवीजन। बेटा हम लोग ने प्रीवियस रिवीजन में ये पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने ये पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने ये पढ़ा था क्या, सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन समझाने की कोशिश की कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। आप लोग बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, बताइए क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है। बेटा क्लासिफिकेशन मतलब ना किसी चीज़ को कैटेगराइज करना, किसी चीज़ को कैटेगराइज करना। हाँ भाई राइट, जैसा मैंने एक एग्जांपल लिया था, अगर मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, कितने 100, अगर मुझे उसको कैटेगराइज करना है तो मैं बॉयज़ में और गर्ल्स में करूँगा, बॉयज़ और गर्ल्स में करूँगा ना, राइट? उसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल दिया था बेटा मेडिकल का। आप समझो कोई भी दवाई लेने जाते हो, समझो क्रोसिन लेने जा रहे हो, तो जो मेडिकल वाले सर होंगे, जो शॉपकीपर होगा, क्रोसिन का जो सबसे पहला वर्ड होगा वो देखेंगे, तब जा करके ड्रॉवर ओपन करेंगे, हाँ अरे ये तो सी वाला है, राइट, तो मुझे क्रोसिन तो इसी में मिलना चाहिए क्योंकि मैंने सी का है तो सी के ड्रॉवर में ही रखा होगा तो मुझे मिलता, हम ला करके दे देते। ऐसा नहीं है कि सी है तो जेड का ड्रॉवर ओपन किया, कोई भी दवाई रैंडम उठा कर ले लो, लेके जाओ लेके जाओ, हो गया हो गया, ऐसा तो नहीं है, राइट? तो हर एक चीज़ सिस्टमेटिक करने के लिए क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। यस ओके फिर सर हम लोग ने उसके बाद देखा था क्लासिफिकेशन हायरार्की, क्या कोई मुझे बता सकता है हायरार्की मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हायरार्की? क्लासिफिकेशन हायरार्की के आगे मैंने ना ब्रैकेट में लिखा था, ब्रैकेट में क्या लिखा था सर, बेटा मैंने लिखा था रैंकिंग। हायरार्की मतलब क्या होता है, रैंकिंग होता है, क्या होता है, रैंकिंग, राइट? अच्छा टोटल क्लासिफिकेशन हायरार्की हैं कितने, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, टोटल 7 है, हाउ मच 7। बेटा सबसे पहला बता सकते हैं आप लोग, सबसे पहला वाला कौन सा है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज? क्या मैं इसमें कुछ भूल रहा हूँ, ये सातों में कुछ भूल रहा हूँ क्या? क्यों? क्योंकि हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स। तो बेटा मैंने प्लांट्स के लिए फाइलम की जगह मैंने डिवीजन लेने के लिए कहा था, क्या कहा था मैंने, फाइलम की जगह हम लोग क्या लेंगे, डिवीजन लेंगे, तब हमारा कैसा बनेगा, किंगडम, डिवीजन। आगे वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं आप, किंगडम, चलिए साथ में लेते, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। बेटा जब मैंने जो चार क्वेश्चन लिखा था ना, उस चार क्वेश्चन में जो सबसे लास्ट वाला, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4th वाला है, उसमें मैंने क्वेश्चन लिखा था बेटा इसमें सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सा होगा और लोएस्ट कैटेगरी कौन सा होगा। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी हमारा किंगडम, राजा। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सा हमारा, किंगडम है, और सबसे लोएस्ट कौन सा है बेटा, स्पीशीज, राइट? यस तो मैंने इसका कुछ ट्रिक बताया था कि हम इस चीज़ को कैसे याद रख सकते। यस ट्रिक है, क्या है, कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट 6, अगर प्लांट्स पढ़ रहे तो कीप डिश क्लीन और फैमिली गेट 6, और फैमिली गेट 6। ओके उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था बाइनोमियल नॉमनक्लेचर, क्या पढ़ा था हम लोग ने, बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। सर इसका मतलब क्या, बाइनोमियल मतलब क्या होता है, बाइनोमियल मतलब दो, नॉमनक्लेचर मतलब क्या, नेमिंग करना, किसी भी चीज़ का
नेमिंग करना। जिस तरीके से किसी एक घर पे अगर बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, हम लोग उसका नेमिंग करते हैं ना, नेमिंग कौन करता है? बुआ करती है। ताज़ा ताज़ा गरम गरम आया बच्चा, उसका नेमिंग कौन करता है? बुआ करती है, राइट। उसी तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अर्थ पे जितने भी हैं, हमारा बुआ कौन है? नाम बताइए, किसने दिया था ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? किसने दिया था? कैरोलस लिनियस। बेटा फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कौन से साल में? आप लोग कमेंट में बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट में बताइए। 1751 में, इन विच ईयर? 1751। ओके, ये तो बेसिक बात हो गई। प्लस अभी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ना, समझो कैरोलस लिनियस मैं हूँ, ये पूरे धरती का बुआ मैं यहाँ पे नाम रखने आया हूँ सबका। तो मेरे हिसाब से मैंने अपना राय दिया क्या, कि हर एक नाम में ना दो कंपोनेंट होना चाहिए। हर एक नाम में कितना कंपोनेंट होना चाहिए बेटा? दो कंपोनेंट होना चाहिए। जो सबसे पहला वाला है उसको हम लोग जीनस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जीनस। और जो सेकेंड वाला, मतलब जो लास्ट वाला है, उसको हम लोग स्पीशीज बोलेंगे, राइट। कल मैंने टोटल चार एग्जाम्पल लिया था लेक्चर नंबर 1 में। हाउ मच, कितने एग्जाम्पल लिए थे हमने? चार। उसमें से कोई दो बता दो कमेंट सेक्शन में, उसमें से कोई भी दो बता दो। चलिए हम ही ले लेते। सबसे पहला मैंगीफेरा इंडिका, जो कि साइंटिफिक नेम है किसका? मैंगो का। उसके बाद क्या था? मैंगीफेरा इंडिका हो गया। उसके बाद क्या था? सोलैनम ट्यूबरोसम, मतलब आलू, बटाटा, पोटैटो की बात हो रही है यहाँ पे, वो उसका साइंटिफिक नेम है। अभी एक है पैंथेरा लियो और एक है पैंथेरा टाइग्रेस। पैंथेरा लियो मतलब, पैंथेरा लियो मतलब लायन, पैंथेरा टाइग्रेस मतलब टाइगर। ये हो गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हमारे सिलेबस में नहीं था 9th के, लेकिन फिर भी मैंने बताया फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके, अब उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय, किसने दिया था? बेटा मैंने यहाँ पे लिखा था आर एच विटेकर। तो ये पूरा पूरा नाम क्या होगा उनका, ये भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आर एच विटेकर, आर एच विटेकर, आर एच का फुल फॉर्म क्या है? रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, राइट। अच्छा, इन्होंने कितना क्लासिफिकेशन दिया था? क्या 6 दिया था, 7 दिया था? नहीं सर, ना झूठ मत बोले सर, 15 दिए थे ना, ना 15 नहीं, कितने थे बेटा? 5। हाउ मच क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय आर एच विटेकर? 5। कौन कौन सा नाम बता सकते हो आप लोग? मैंने ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक है वो? MPFPA, मतलब मध्य प्रदेश फ्रॉम पाकिस्तान टू अमेरिका, राइट। कौन से ईयर में दिया था? 1969 में। इन विच ईयर बेटा? 1969 में, राइट। ओके, अभी 1969, इतना मगजमारी कौन झेलेगा सर? हम लोग एक हिस्टोरी बना देते, समझो। यहाँ का आर एच विटेकर, मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, राइट। मतलब MPFPA, मध्य प्रदेश फ्रॉम पाकिस्तान टू अमेरिका। ये कौन गया? आर एच विटेकर सर गए थे। कौन से ईयर में गए थे? 1969। वो भी कैसे याद रखने का? 1 है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 9 है, राइट। 1 को छोड़ दो, 9 है, 9 को उल्टा करो, 6 बनता है बेटा, फिर से उसको सीधा करो, फिर 9 बनता है। मतलब 1969 में वो ट्रैवल किए थे, ये हमारा स्टोरी है, सच में ट्रैवल नहीं किए थे। ओके, ये तो हमारा हो गया रिवीजन बेटा, राइट। स्टार्टिंग है तो और टाइम लगता ही है, कोई बात नहीं। चलिए अब जो लेक्चर 1 था ना, जहाँ से हम लोगों ने स्टॉप किया था, वहाँ से अब इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स लेक्चर नंबर 2। अभी हम लोग इस वीडियो में ना डिटेल में जानना ही है, डिटेल में जानेंगे कि ये जो किंगडम प्लांट है, इसमें क्या क्या आता है। ये तो कैटेगरी है ना, अब इस ये सब इसका क्या है? सब कैटेगरी है, बराबर। ओके, ध्यान दीजिए, अभी जो किंगडम प्लांटी है ना बेटा, वो दो चीज में डिवाइडेड है,
सबसे पहला क्या है, क्रिप्टो गेम्स, क्या है वो, क्रिप्टो गेम्स। और जो सेकेंड वाला का है वो क्या है, फेनेरो गेम्स, फेनेरो गेम्स, स्पेलिंग लर्न होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे ना, क्रिप्टो गेम्स यहाँ पे टोटल तो सर तीन है, सर यहाँ पे तो चार दिख रहा है, सर यहाँ तीन है, यहाँ पे चार है। सुनो, पहला क्या है, ये क्रिप्टो गेम्स है, इसमें टोटल तीन है, लेकिन एक ही से आ रहा है ना। फेनोरा गेम्स में देखो, ये दो में डिवाइड हुआ, अब ये जो दो है वो एंजियोस्पर्म से आ रहा है, तो इसको अभी लेट इट भी, इसको भी देखेंगे बाद में। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, क्रिप्टो गेम्स। अभी अभी के लिए फिलहाल हमारा हीरो कौन है, क्रिप्टो गेम्स। हम क्रिप्टो गेम्स की बात करते हैं, क्रिप्टो गेम्स मतलब, कभी ये वर्ड सुना है आप लोगों ने, क्रिप्टो गेम्स मतलब क्या होता है? बेटा इस वीडियो में उतना डिटेल में नहीं हो पाएगा, तो मैं आप लोगों को ना यहाँ पे रफली बताने जा रहा हूँ, राइट। इसका जो डिटेलिंग है वो लेक्चर नंबर 3 में करेंगे, हम पूरा फुल एग्जाम्पल के साथ करेंगे, एग्जाम्पल हर एक एग्जाम्पल लर्न होगा आपको, सब चीज़ का ट्रिक बताऊंगा मैं, राइट। अभी फिलहाल के लिए क्या है, क्रिप्टो गेम्स, क्रिप्टो गेम्स में टोटल कितने डिवीजन आ रहे, मैंने फिर बोला था फाइलम नहीं होगा बेटा, किंगडम के बाद फाइलम नहीं, डिवीजन होगा। अभी ये क्या है मेरा, क्रिप्टो गेम्स, अभी ये मेरा डिवीजन है, क्या है बेटा, ये सब मेरा डिवीजन है। सर लिखो कैसा, मैं समझा नहीं, लिख देता हूँ, ये मेरा डिवीजन वन है, ये मेरा डिवीजन टू है, और ये मेरा डिवीजन थर्ड है, राइट। तो सर आप ऐसा लाइन से क्यों नहीं लिखे, सब लाइन से नहीं हो पाता बेटा, राइट, जगह नहीं है ना, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लिखने की कोशिश करते हैं। सर ये क्रिप्टो गेम्स है, आपने क्या बोला, इसमें टोटल तीन डिवीजन है, सबसे पहला कौन सा, थैलो फाइटा, कौन सा, थैलो फाइटा, THELLOPHYTA, थैलो फाइटा। अब जो सेकेंड वाला डिवीजन बेटा, उसको हम लोग ब्रायो फाइटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रायो फाइटा। अब जो तीसरा वाला है उसको क्या बोलेंगे, कमेंट में बताओ, पी टेरिडो फाइटा, नहीं बेटा पी साइलेंट होता है यहाँ पे, हम लोग क्या बोलेंगे, टेरिडो फाइटा, मेरी नहीं तेरी दो फाइटा, तेरी दो फाइटा, राइट, जोकिंग, ओके। अब यहाँ पे टोटल तीन डिवीजन है, कौन कौन से बेटा, एक बार फिर से देख लेते हैं, डिवीजन वन थैलो फाइटा, डिवीजन सेकेंड क्या है, ब्रायो फाइटा, डिवीजन थर्ड कौन सा है, टेरिडो फाइटा, राइट। अभी आप लोग क्या बोला, आप ही लोग बोलिए, हम लोग इस पे जाएं कि सबसे पहला ये समझ ले ट्रिक के साथ, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है साइंस्टर लर्न विद बेस्ट ट्रिक्स, तो ट्रिक तो होगा ही, पक्का होगा। सर ये जो क्रिप्टो गेम्स है इसमें तो तीन आ रहा है, सर इसमें तो तीन आ रहा है, इसमें देखिए वो तीन में डिवाइड हो रहा है, ये तो दो में ही हो रहा है, अभी जो ये दो में डिवाइड हो, इसका जो दूसरा वाला वो दूसरे दो में डिवाइड हो रहा है। अभी इसको छोड़ो, हम उसको लर्न करते, हमको लर्न कैसा होगा, सर ये तो बहुत हार्ड है, हम लोग भूल जाएंगे सर, इसमें इसमें तीन है कि इसमें चार है, इसमें तीन है कि उसमें चार है, डोंट वरी, जिंदा है हम अभी। क्या है, क्रिप्टो गेम्स, क्रिप्टो गेम्स, राइट। अभी जो डिवीजन वन है, डिवीजन टू है, डिवीजन थ्री है, बराबर, टोटल कितने डिवीजन है बेटा, तीन, तीन डिवीजन है। अगर मैं क्रिप्टो गेम्स का फर्स्ट वर्ड लूँ, फर्स्ट लेटर लूँ, फर्स्ट लेटर क्या है मेरा, सी, फर्स्ट लेटर क्या है मेरा, सी, बेटा सी कौन से नंबर पे आता है, सी मेरा कौन से नंबर पे आता है, ए बी सी, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो तीन डिवीजन है ना इसमें, राइट। हम लोग को पहला वर्ड देखना है, पहला लेटर देखना है कौन सा, सी है, सी, ए बी सी, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे कि इसमें तीन डिवीजन है टोटल, कौन कौन से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा।
अब ये दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, क्या सर हम लोग इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कानून के खिलाफ कोई काम मत करो, नहीं हो पाएगा, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर डिवीजन ये 1 है तो 1 ही रहेगा, डिवीजन सेकंड है तो ये भी सेकंड ही रहेगा, ये थर्ड है तो थर्ड ही रहने वाला है, राइट? ओके सर, आपने तो बता दिया कि जो सी हो तीसरे नंबर पे आता है तो इसमें 3 डिवीजन होगा, लेकिन ये सब याद कैसे रखें? बताता हूँ, ध्यान दो। सबसे पहला वाला कौन सा बेटा? सबसे पहला डिवीजन हमारा थैलोफाइटा, सेकेंड डिवीजन कौन सा है? ब्रायोफाइटा, और जो थर्ड वाला डिवीजन है हमारा वो क्या है? फिर से बोल रहा हूँ, जो बेटा पी है ना यहाँ पे, वो पी साइलेंट है, वो टेरिडोफाइटा होता है, पी टेरिडो नहीं, टेरिडोफाइटा, ओनली टेरिडोफाइटा। ओके, अभी आप लोग को सबका पहला वर्ड देखना है। अभी यहाँ पे हम लोग एक स्टोरी बनाने जा रहे हैं, क्या है? पहला टी है, बी है, पी है, टी बी पी, टी बी पी। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमको हमारी मम्मी ने मारा, हम क्या मार खाने पे हंसते कि रोते? रोते। तो सबसे रोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभी तक हम लोग क्या जानते थे? क्राई। तो क्या है क्राई? सी आर वाई, देखो क्राई, बराबर। अभी पहले हम लोग को टीवी देखने का कितना शौक था, कुछ भी होता था ना, मम्मी कितना ही मारते, बोलते हाँ जाके करे टीवी देख लो, टीवी देख लो, क्या देख लो? टीवी देख लो, ठीक है। मम्मी ने हम लोग को मारा, हम लोग क्राई कर रहे, रो रहे, तो हम रोते रोते हम लोग क्या बोल रहे? चलो ठीक है मार दिए, चलो ठीक है। टीवी पर जाकर, टीवी पर जाकर सी से, फिर से सी लो, कार्टून देख लूँ क्या मम्मी? क्या? टी बी पर जाकर कार्टून, अभी हम लोग को एक ही वर्ड लेना है, कार्टून देख लूँ क्या मम्मी? क्या आप इस स्टोरी से लर्न कर सकते हैं? बेटा मुझे पता है ये सब चीज़ में लॉजिक नहीं है, मुझे पता है ये सब चीज़ में लॉजिक नहीं है, राइट? हमारे जितना भी ट्रिक्स बने हैं बेटा, लॉजिक नहीं होगा उसमें, बट हमको लर्न तो हो रहा है, बट हमको लर्न तो हो रहा है। तो आप लॉजिक देख रहे हो कि आपको लर्न हो रहा है, वो देखिए ना कितना अच्छा ट्रिक्स है बेटा। देख क्या है, मम्मी ने हम लोग को मारा, हम क्राई कर रहे हैं, टीवी पर कार्टून देख लूँ क्या? टीवी पर कार्टून देख लूँ क्या? और इसमें 3 ही डिवीजन है, मतलब सी का, सी कौन से नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर, तो 3 ही डिवीजन होगा, राइट? अभी ये तो हो गया बेटा, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, मतलब लेक्चर नंबर 3 में करेंगे, डिटेल में करेंगे, पूरा एग्जाम्पल मैं लर्न करवा दूंगा आपको, राइट? ये तो हो गया। अभी उसके बाद क्या आता है? फेनोरो गेम्स। क्या आता है? फेनोरो गेम्स। फेनोरो गेम्स मतलब क्या बेटा? ये भी एक टाइप का सब डिवीजन है, सब डिवीजन किसका है? किंगडम प्लांटे का। अभी फेनोरो गेम्स के अंदर भी दो चीज़ आता है, कौन सा? एक जिम्नोस्पर्म आता है और एक एंजियोस्पर्म आता है। अभी एंजियोस्पर्म में ना दो आता है, मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन, मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन, राइट? ध्यान दीजिए, अभी जो फेनोरो गेम्स है उसमें टोटल कितने डिवीजन? दो। सबसे पहला वाला क्या है? जिम्नोस्पर्म। सेकेंड वाला एंजियोस्पर्म। बेटा जो जिम्नोस्पर्म है ना, उसको हम लोग फीमेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये फीमेल पार्ट है, और जो एंजियोस्पर्म है बेटा, ये हमारा मेल का पार्ट है, राइट? जिम्नोस्पर्म आपके साइंस के टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी आया तो डायरेक्ट आग बंद करके बोल दो क्या है वो? फीमेल। एंजियोस्पर्म बेटा कहीं पे भी आग बंद करके बोल दो जय माता दी नहीं, मेल, क्या बोलेंगे? मेल। ओके सर, इतना अच्छा आपने इसका ट्रिक दिया, सर उसका भी कुछ ट्रिक है क्या? है ना, इसका दो ट्रिक है, इसका एक ही ट्रिक है, बता देता हूँ बेटा। ये फीमेल है ना, फीमेल मतलब गर्ल्स। तो देखो सबसे पहला वर्ड उठाओ, जी गर्ल्स हो गया, गर्ल्स तो फीमेल ही होती ना, तो जिम्नोस्पर्म तो मतलब फीमेल हो गया। सर दूसरा ट्रिक बताया जाए कि ना बताया जाए, बताओ? ठीक है, जी की आपने कभी जी सुना है?
मतलब जब एक वाइफ अपने हस्बैंड को बुलाती है तो जी करके बुलाती है। अभी फॉर एग्जांपल मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ बाजू में खड़ी है, राइट। क्या वाइफ हस्बैंड का नाम लेती है? नहीं लेती है, राइट। वो लोग क्या बोलते हैं, ए जी सुनिए, ए जी सुनिए, ए जी वो लाइए, ये जी ये ले लेके आइए, राइट। मतलब जी जी बोल रही है ना, जी जी मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, जी जी तो मेरी वाइफ बोल रही है, और जो मेरी वाइफ है वो तो फीमेल है, तो फीमेल है तो मतलब जिम्नोस्पर्म है, राइट। अभी क्या इसका तो दो ट्रिक हो गया। अभी एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वी आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब क्या बेटा? मेल। क्या मेल? कभी भी झगड़ा होता है, वायलेंस होता है कहीं पे, अगर मेल और मेल का हो रहा तो हम लोग कैसे चिल्लाते हैं, ए पागल विगल हो गया है क्या तू, ए देखो, ए ए कौन बोलता है? झगड़ा होता तो हम लोग, बोलते ना, ए मार दूंगा अभी, समझा, मस्ती मत कर, ए मार दूंगा अभी, ए क्या कर रहा है तू। तो मतलब एक डोमिनेटिंग वर्ड है ना, ज्यादा करके मेल लोग ही बोलते हैं। आप लोग को समझ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, राइट। अभी फेनोलॉजी में दो डिवीजन है सर, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। अब एंजियोस्पर्म में दो है, कौन कौन सा? मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। बेटा कौन सा? मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। आपने, मैंने कल इसका नाम लिया था, आप लोग ने गौर किया? नहीं किया रहेगा, मैं बताता हूँ। हम लोग ने कल बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। बाइनोमियल से पहले क्या था? मोनोमियल आता है, मतलब सिंगल, और जो बेटा कॉटिलीडन है, मतलब यहाँ पे सीड होता है। क्या होता है? सीड होता है, मतलब ये सिंगल सीड की बात हो रही है। और डाइकोटिलीडन मतलब क्या? दो दो सीड की बात करेंगे, राइट। अभी फॉर एग्जांपल मैं ये बता दूँ, मोनोकोटिलीडन वो होता है बेटा जो सीड हम लोग उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर सके, समझा। इट कैनॉट डिवाइड इंटू टू इक्वल हाफ्स। कौन सा? मोनोकोटिलीडन। अभी डाइकोटिलीडन क्या होता है सर? सर आप कौन सा भी ऐसा बीज ले लो, अगर थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करने वाले से अगर दो टुकड़े में काटना ना पड़े, अगर अपने आप दो टुकड़े में अगर वो डिवाइड हो जाए तो हम लोग उसको डाइकोटिलीडन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइकोटिलीडन बोलेंगे, राइट। अभी अगर आप लोग को इस लेक्चर में कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। ये आप लोगों को समझा? ये समझा बेटा? ये सबके एग्जाम्पल भी है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मतलब लेक्चर नंबर 3 में। ओके सो बच्चों, कैसा लगा आज का लेक्चर आप लोगों को? आई होप मज़ा आया होगा। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में मज़ा आएगा पक्का। सो बच्चों, डेट्स ऑल फॉर टुडे। कीप गोइंग, पढ़ते रहिए। ओके, जय हिंद, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, थैंक यू बेटा। मैं साइड हट जा रहा हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले ले आप। ओके, मैं हट जा रहा हूँ।